दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या आप कभी किसी ऐसे नमूने से मिले हैं जो पूरी दुनिया को ये लेक्चर देता हो कि नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन शाम को घर में आकर चिकन बिरयानी के मजे लेता हो? अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में तो समझ लीजिए कि वो सुधीर चौधरी सिंड्रोम से ग्रसित है। मतलब सुधीर चौधरी सिंड्रोम के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। सुधीर चौधरी सिंड्रोम बेसिकली ये है कि आप पूरी दुनिया को बताइए सही गलत, नैतिकता का पाठ, और कुछ हफ्तों में या फिर ये कह लें कि 2 हफ्तों में खुद ही उसके सामने एक्सपोज हो जाइए। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने 3 हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में केदारनाथ में जो लोग रील बनाने लगे हैं और रीलों को वायरल करने लगे हैं उसका मुद्दा उठाया। दरअसल ये पूरा का पूरा मुद्दा तब उठा था जब एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था एक घोड़े का, जिसको न केवल बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था, जो कि भक्तों को केदारनाथ ले जाता है चढ़ाई करने के लिए, बल्कि उसको नशा भी दिया जा रहा था। वो वीडियो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया था। उसके बाद एक दो और रील्स शेयर हुई जहाँ पर केदारनाथ में बाबा के दरबार में खड़े होकर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है या फिर नाच गाना हो रहा है, बाकायदा रील राल बनाई जा रही है। इसको लेकर सुधीर चौधरी नहीं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर सुधीर चौधरी ने फिर शो बनाया, न केवल शो बनाया बल्कि एक अभियान चलाया कि केदारनाथ में जो फोटो वोटो हैं, जो रील बाज हैं, इन पे प्रतिबंध होना चाहिए, भक्ति की जगह है वहां केवल भक्ति होनी चाहिए। इसके बाद उनकी इस मुहिम का असर भी हो गया और केदारनाथ में मंदिर परिसर के आसपास फोटोग्राफी बंद हो गई। हालांकि इसे लेकर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जारी की कि हर आदमी तो रील नहीं बनाता, हर आदमी तो वहां नाच गाना नहीं करता, कोई आदमी बहुत दूर से बड़ी मुश्किल से बाबा के दरबार में दर्शनों के लिए आ भी रहा होगा तो हो सकता है कि वो जिंदगी भर की यादें अपने साथ लेकर जाने क्या दिक्कत है, बाहर खड़े होकर कोई आदमी अपने परिवार के साथ फोटो खिंचा लेगा, हर आदमी थोड़ी रील बनाता है। लेकिन फिर भी लोगों ने इस फैसले का साथ दिया कि चलो कम से कम कुछ लोगों को नुकसान होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज केदारनाथ में जो धार्मिक आस्थाएं हैं हिंदुओं की, उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि जो सुधीर चौधरी खुद दूसरों को केदारनाथ में फोटोग्राफी और रील बनाने और वीडियो बनाने का संदेश दे रहे थे, वो तो 2 हफ्ते में पलट गए। केदारनाथ पहुंचे हैं सुधीर चौधरी बकायदा एक पूरा सेटअप लेकर। ये देखिए, 2-3 कैमरा शूट लगाया हुआ है, लंबा चौड़ा फ्रेम बनाया हुआ है, बकायदा मुरारी बाबू को बिठाकर सुधीर चौधरी यहां पर बढ़िया से तबीयत से, अब ये रील से तो कुछ ऊपर ही होगा जाहिर तौर पर, वीडियो बना रहे हैं, अपना प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा? दुनिया को आपने लेक्चर दिया कि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफी बंद होनी चाहिए, और खुद जाके वहां 3-4 कैमरे का सेटअप लगाकर बकायदा एक इंटरव्यू कर रहे हैं मुरारी बापू के साथ। दोस्तों, सुधीर चौधरी से बड़ा सवाल तो केदारनाथ मंदिर परिसर का संरक्षण कर रहे प्रशासन पर उठता है कि जब उन्होंने यह आदेश दे दिया कि आप मंदिर परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो फिर सुधीर चौधरी उस आदेश से ऊपर हो गए हैं क्या? सुधीर चौधरी कितनी बड़ी हस्ती हो गए हैं कि उनके लिए सारे जितने भी नियम कानून दरकिनार कर दिए जाएंगे? ऐसे तो कल को कोई और बड़ा सेलिब्रिटी आ जाएगा, वो कहेगा नहीं मैं तो सेलिब्रिटी हूं, मेरे को तो फोटो खींचनी है। क्या मजाक हो रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या ये सुधीर चौधरी का दोगलापन नहीं है जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है? और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें जितना हो सके, चैनल को ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए भी चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।